वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब इन्फो मीडियम। समसामयिक घटना चक्र की इस अद्भुत सीरीज में हम करंट अफेयर के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे टू द पॉइंट के साथ। इस सीरीज में सभी प्रश्न घटना चक्र बुक के होंगे, जो एक बहुत ही परीक्षा उपयोगी बुक है। तो शुरू करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम चर्चित व्यक्तित्व के प्रश्नों के साथ डिस्कस करेंगे। प्रश्न पहला, जुलाई 2021 में पुष्कर सिंह धानी ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। मुख्यमंत्री क्रम में यह 11वें नंबर के आपके मुख्यमंत्री हैं और यह उत्तराखंड के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने हैं। इससे पूर्व आपका तीरथ सिंह रावत आपके मुख्यमंत्री थे और उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अपने पद से अभी। अगला प्रश्न, जून 2021 में विश्व बैंक समूह द्वारा विश्व भर से नियुक्त 12 सलाहकारों के बोर्ड में किस एक भारतीय को बतौर शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर ए रंजीत सिंह दिसाले, ऑप्शन नंबर बी मोहनलाल राजभर, ऑप्शन नंबर सी कनकलता दवे, ऑप्शन नंबर डी अनवर कुरैशी। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए रंजीत सिंह दिसाले। रंजीत सिंह दिसाले आपके सोलापुर महाराष्ट्र में आपके नौ परिवर्तनशील प्राइमरी शिक्षक हैं और आपका इनका कार्यकाल दिसंबर 2024 तक रहेगा। और रंजीत सिंह दिसाले वर्ष 2020 में ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय हैं। जून 2021 में मात्र 13 दिनों के कार्यकाल हेतु इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने? ऑप्शन नंबर ए न्यायमूर्ति गोविंद माथुर, ऑप्शन नंबर बी न्यायमूर्ति संजय यादव, ऑप्शन नंबर सी न्यायमूर्ति एम एन भंडारी, ऑप्शन नंबर डी न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी न्यायमूर्ति संजय यादव। संजय यादव का आपका शपथ ग्रहण हुआ था 13 जून 2021 को। इनका शपथ ग्रहण कराया था आपका उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने और यह सेवानिवृत्त हो गए थे आपका 25 जून 2021 को, क्योंकि इनका 65 वर्ष की आयु पूरी हो गई थी। और इससे पहले न्यायमूर्ति गोविंद माथुर आपका मुख्य न्यायाधीश थे। वहीं बात करते हैं कि अगले आपके कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं मुनीश्वर नाथ भंडारी। अगला प्रश्न है, जून 2021 में विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत के स्थायी मिशन में केंद्र सरकार ने किसे काउंसलर के रूप में नियुक्त किया? ऑप्शन नंबर ए आशीष चंद्रोकर, ऑप्शन नंबर बी एस रामेशन नायर, ऑप्शन नंबर सी संजय लीघा, ऑप्शन नंबर डी राजन जालान। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए आशीष चंद्रोकर। आशीष चंद्रोकर की नियुक्ति 16 जून 2021 को हुई है और इनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए किया गया है। इस मिशन पर पहली बार कोई निजी कंपनी का व्यक्ति नियुक्त किया गया है। जून 2021 में नेप्ताली वेनेट ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी इटली, ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर डी इजराइल। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी इजराइल। इनका पदभार ग्रहण आपका 13 जून 2021 को हुआ है और यह 2023 तक आपके प्रधानमंत्री रहेंगे और यह आपके 13वें नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं। इन्होंने आपका स्थान ग्रहण किया है बेंजामिन नेतन्याहू के स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2021 में किसने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? ऑप्शन नंबर ए न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत, ऑप्शन नंबर बी न्यायमूर्ति एच एल दत्तू, ऑप्शन नंबर सी न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा, ऑप्शन नंबर डी न्यायमूर्ति दीपक अग्रवाल। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। इन्होंने यह पद आपका 2 जून 2021 को ग्रहण किया और इससे पूर्व के अध्यक्ष थे आपके न्यायमूर्ति एच एल दत्तू।
इस आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इनका कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु में जो पहले हो जाता है उसके आधार पर होती है और इस आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में की गई थी। मई 2021 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर ए प्रवीण सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी सुबोध कुमार जायसवाल, ऑप्शन नंबर सी जोस जे कट्टूर, ऑप्शन नंबर डी गिरीश चंद्र अग्रवाल। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी सुबोध कुमार जायसवाल। इनकी नियुक्ति 2 वर्ष के लिए की गई है। इससे पहले ऋषि कुमार शुक्ला इस पद पर थे, उनका सेवानिवृत्त होने के बाद आपका प्रवीण सिन्हा कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किए गए थे। इनकी नियुक्ति में प्रधानमंत्री एवं विपक्ष के सबसे बड़े नेता व भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल होते हैं। सुबोध कुमार जायसवाल इससे पूर्व केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के पद पर नियुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2021 में मार्थिया कू को किस देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर ए इथोपिया, ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी सूडान, ऑप्शन नंबर सी ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर डी केन्या। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी केन्या। केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में मार्थिया कुम को नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति आपका केन्या के राष्ट्रपति उहुरु केन्याता के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2021 में किसे भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर ए जोस जे कट्टूर, ऑप्शन नंबर बी टी रविशंकर, ऑप्शन नंबर सी महेश कुमार जैन, ऑप्शन नंबर डी नटराजन चंद्रशेखरन। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी टी रविशंकर। जैसा कि आपको ज्ञात होगा आरबीआई के पास 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं जिसमें से बीपी कानूनगो ने आप सेवानिवृत्त हुए उनके स्थान पर टी रविशंकर को नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होगा। इनके अतिरिक्त एम के जैन, डॉक्टर एम डी पात्रा तथा एम राजेश्वर राव आपके डिप्टी गवर्नर हैं। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं प्रेजेंट टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का नया चीफ ऑफ स्टाफ किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर ए सुसी परेज क्वीन, ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज टीम, ऑप्शन नंबर सी भव्यालाल, ऑप्शन नंबर डी सुनीता विलियम्स। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए सुसी परेज क्वीन। इनकी नियुक्ति आपके नासा के नए प्रशासक विल नेल्सन द्वारा किया गया और यह आप इससे पूर्व आपकी भारतीय मूल की अमेरिकी भव्यालाल नासा की कार्यवाहक चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त की गई थी। नासा की स्थापना 1958 में की गई।